बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। चाचा मुझे बार बार कह जा रहे हैं कि चेक पर साइन करो, रकम मैं बाद में लिख लूंगा। फारिस को हर महीने प्लाजा का किराया मिलता है, ये लोग फारिस से क्यों नहीं मांग रहे हैं, मुझसे क्यों कह रहे हैं? अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो, सादे कुछ दिनों के बाद छुट्टी पर आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है, कुछ भी हो जाए तुमने किसी चेक पे साइन नहीं करना। निवरा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस घर में तुम रहती हो वो तुम्हारा घर है और वहां जो भी खर्च होता है ना वो तुम कर रही होती हो, कोई जरूरत नहीं किसी की कोई बात सुनने की। तुमने फारिस से निकाह करके ना बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा छोड़ो ना, जो हो गया वो तो हो गया, दुआ करो कि फारिस के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो, वो कदर करे निमरा की। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ निमरा, घर में बैठी रहोगी ना तो चचा चाचा की बातें सुन सुन के ना तुम बस दिल हो जाओगे। घर से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को कोई मकसद दो, देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी चेंज हो जाएगी। ऐसे निमरा, अनिला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था कि हमारे इधर रिफाई इदारा खुला है जो गरीब बच्चों को इस शहर में पढ़ाते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे साथ टीचिंग ज्वाइन कर लो। हाँ तुमने जिक्र तो किया था। तो चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ टीचिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और नेकियां भी कमा लेंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस फैसला हो गया, मैं वहां जाऊंगी और वहां काम करूंगी। शाबाश बेटा, अब अपने वादे पे ना पक्की रहना, इन चची जान की दो बातें सुन के तुम्हारा इरादा बदल जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा। शाबाश बेटा, तुमने हिम्मत करनी है, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कोई जरूरत नहीं किसी से डरने की।